नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ये जो प्रिंटर है मेरे पास अभी लेजर जेट HP M1136 मॉडल है। तो दोस्तों इसमें एक फॉल्ट आया हुआ है, वो फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि मैं इसमें अभी ये जो केबल लगाता हूँ तो इसमें क्या फॉल्ट है आप देखेंगे अभी। इधर लेके हम यहाँ पर इसको आप देखना, ये जो प्रिंटर, इस प्रिंटर को अभी मैंने चालू किया है, आप देख रहे हैं लेजर जेट M1136। तो इसमें देखिए ये एक तो रेड फ्लिंकिंग हो रही है और अभी जस्ट ही साथ में इसमें ये आ गया E8, आप देख रहे हैं E8 फॉल्ट है। तो E8 दोस्तों फॉल्ट आ जाता है तो हमें इस सिस्टम को खोलना पड़ता है। आपको पता है कि E8 इसमें कई फॉल्ट आते हैं, या तो E2 फॉल्ट आता है, या E3 फॉल्ट आता है, या E8 फॉल्ट आता है। तो E8 फॉल्ट इसका है, मैं आपको E2 और E3 के बारे में बताऊंगा। अभी हम E8 जो फॉल्ट है इसकी बात कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अभी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसको खोलें उससे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना है ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। दोस्तों ये हमें बार बार बोलना पड़ता है, सब्सक्राइब आपको करना चाहिए क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस। दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, इसके अंदर पास से लेकर आना एक बार, 1, 2, 3, 4 और 2 यहाँ पर होते हैं, 5 बिल्कुल थोड़ी देर का काम है और बिल्कुल आसानी से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर अभी ये जो 6 वोल्ट है ये यहाँ से खोल दिए हैं। इस बिल्कुल इनको आसानी से केयरफुली खोल लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसको बंद करना है और बंद करके इसको पीछे की साइड से उठाना है, इस प्रकार से पीछे की साइड से उठा के और इसको आप साइड कर दीजिए। तो ये पोर्शन जो है इसके अंदर मिरर वगैरह सब साथ आ गया है तो इसको आप अलग रख सकते हैं, इसको तो हम अलग रख देंगे। इसके बाद में दोस्तों ये प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं ये स्लाइड करती है, जिसको अपने लेजर लाइट बोल रहे हैं। तो ये लाइट जो है वो इसमें स्लाइड करती है, इधर से घूम के इधर आती है, तो इसमें फॉल्ट आया हुआ है, इसलिए इसमें E8 जो प्रॉब्लम है वो आई हुई है। तो दोस्तों एक बार क्या करते हैं, प्रिंटर को बंद करते हैं क्योंकि इसमें करंट लगने का चांसेस भी रहता है, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो इससे पहले हम पहले प्रिंटर को बंद कर देते हैं और इसकी जो केबल है वो हम निकाल देते हैं। अब दोस्तों इसको यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से तिरे से उठाना है, आप देख पा रहे होंगे आराम से। और दोस्तों ये अटक जाता है, तो ये अटक गया तो इसमें दो प्रॉब्लम है दोस्तों, या तो ये अटक जाता है, दूसरा अटक गया और हमने सही भी कर दिया तो इसकी मोटर ख़राब हो गई है। यहाँ पर ये दोस्तों मोटर आती है, ये मोटर भी इसमें ख़राब होने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसकी मोटर ख़राब है कि नहीं है, यदि मोटर ख़राब है तो हम मोटर इसकी चेंज कर देंगे, और मोटर ख़राब नहीं है तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी वो अपन देखेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ये क्लीन नहीं हुआ है। तो इसकी जो केबल वगैरह है वो मैं थोड़ी चेक कर लेता हूँ कि केबल तो नहीं निकल गई है। तो ये इसकी छोटी सी केबल आती है, इसको थोड़ा सा खोल के एक बार वापस डाल देते हैं कि पता नहीं केबल ख़राब हो। और इसमें ये लेज़र लाइट आती है, और पहले प्रिंटर्स जो फोटोस्टेट आते थे उसमें आपको पता ट्यूब आती थी, आजकल ये लेज़र देने लग गए। तो एक बार मैं इसको ऐसे चेक करूँगा इस प्रकार से, यहाँ पर बीच में रख के कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार बीच में रखा है। और दोबारा मैं जो लाइट है उसको मैं दोबारा प्लग में लगा रहा हूँ, तो इसमें देखते हैं कि फॉल्ट इसमें पूरा कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। मैंने इसमें लाइट में लगा दी है और स्टार्ट करते हैं, ये रोटेशन करता कि नहीं करता इसके बारे में अपन चेक करेंगे एक बार कि इसकी किसी सिचुएशन, यदि ये नहीं लेगा अपनी जगह से तो इसकी मोटर जो है उसके डैमेज होने के खतरे पूरे बनते हैं। तो ये दोस्तों इसमें चलने की कोशिश में है, ये चल रही है, और ये यदि चल के जा रही है दोस्तों, ये चल के जाएगी और वापस आना चाहिए, वापस आएगी। यदि चल के वापस जा रही है तो इसका फॉल्ट जो है वो निकल सकता है। अभी देखिए दोस्तों, अभी इतनी चली है,
ये देखिए अभी चल रही है। फॉल्ट दोस्तों अभी इसके अंदर है। थोड़ा सा टाइम लेगी, पूरा आगे तक जाएगा क्योंकि अभी इसके ऊपर अपने कवर नहीं लगाया। देखो रेड लाइट जो है वो बंद हो गई है यहाँ से, इसका मतलब है दोस्तों ये फॉल्ट है वो ख़त्म हो गया है इसका, और प्रिंटर बिल्कुल से ओके हो गया है। फॉल्ट यही था, अपना खर्चा बच गया और मोटर सही है, बस दिक्कत थी अटकने की, यहाँ अटक गया था ये, इसकी वजह से दोस्तों प्रॉब्लम आई थी। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इसमें नंबर भी मांग रहे हैं आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप देखिए नंबर वगैरह सब मांग रहा है, तो आप इसका प्रिंट निकाल के देखेंगे, प्रिंट निकालेंगे तो पता चल जाएगा बिल्कुल सही है। पहले इसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो फॉल्ट है वो बता दिया है कि इसमें क्या फॉल्ट था, और इस प्रकार से हमने चेक कर लिया है। तो दोस्तों आप ऐसे चेक कर सकते हैं घर में आसानी से, बाहर जाओगे तो इसमें पैसे खर्च होने की संभावना रहती है। तो ये आप चेक करने के बाद में इसको आसानी से जैसे खोला था उसी प्रकार से आप इसको आसानी से बंद कर दीजिए। इसमें उसी प्रकार से जितने स्क्रू हमने खोले थे वो स्क्रू जो है वो आप वापस लगा दीजिए। स्क्रू लगाने के बाद में हम दोबारा इसमें कॉपी निकाल के देखेंगे और उससे पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम दूर हुई है कि नहीं हुई है। अभी तो एक हद तक हमने देखी कि प्रॉब्लम दूर है, और कॉपी जो है वो निकाल के हम और देखेंगे। तो दोस्तों मैंने जो ये ऊपर वाला जो कवर है इसको बंद कर दिया है, और अब हम इस लाइट को चेक करेंगे। आप इसको पास से देखेंगे, और मैंने लाइट चालू कर दी है, और अब इसकी तरफ देखना है। पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए हमने चालू कर दिया प्रिंटर। और इस लाइट का विशेष ध्यान रखना है, ये यदि आगे सरक के यहाँ तक आके और वापस नहीं जाती है तो समझ लीजिए मोटर ख़राब है, लेकिन अभी मोटर सही है। और ये लाइट देखिए यहाँ से बंद हो गई, अब ये यहाँ गई, अब वापस आएगी इधर, ये अब यहाँ तक आएगी, ये पहले यहीं अटकी हुई पड़ी थी और इसमें जाम था ये, अब ये यहाँ गई, अब ये एरर क्लियर हो गए। कई देर तक ये बार हिलेगी अंदर, इसके बाद में ये एरर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम एक दो सेकंड का इसमें वेट करते हैं, ये बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा एरर, और फिर हम कोई प्रिंट की कमांड जो है वो अभी देंगे। एक बार देखिए थोड़ा सा ये आगे पीछे होगी, फिर ये अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगी। अब देखिए इसमें एरर जो है वो पूरा क्लियर हो गया है। अब मैं इसमें पेज लगाता हूँ दोस्तों, पेज लगाने के बाद में क्या ऑप्शन देता है ये दीजिए पेज, ये मैंने पेज लगा दिया। अब हम इसमें क्या प्रिंट की कमांड देंगे, तो प्रिंट की कमांड के लिए कोई भी जो पुराना पेज पड़ा हो वो पेज जो है वो हम इसमें लगा के देख लेते हैं कि प्रिंट की कमांड क्या रहती है। जैसे कि मेरे पास ये पेज है, तो ये पेज मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, और फिर हम प्रिंट की कमांड जो है वो अभी देख रहे हैं कि इसमें प्रिंट की कमांड क्या रहती है। ये देखिए, तो दोस्तों जो इसके अंदर कार्टेज है वो घूम रही है, और प्रिंट जो है वो दोस्तों उठा लिया इसने कागज़, पेपर उठाने के बाद में पेपर पास भी कर दिया है ये देखिए। तो दोस्तों ये जो फॉल्ट है वो देखिए अब दूर हो गया है, इसकी प्रिंट की क्वालिटी है वो भी दोस्तों वेस्ट आ गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो E8 की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने आज सीखा है कि जो HP प्रिंटर है मेरे पास अभी M1136, इसके अंदर जो E8 की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है, किस प्रकार से सॉल्व करनी है। तो आप पूरा समझ भी होंगे, मैंने आपको प्रिंट निकाल के दिखाया है, इस प्रकार से प्रिंट निकल गया है। तो दोस्तों सारा समझ में आ गया होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया वीडियो जो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो मिलते रहे। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे राधे।